हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे कंजक्शन क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक किया करें अगर आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको अच्छा ना लगता हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान जाते हैं कंजक्शन क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजक। ठीक है, तो कंजक्शन का डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। द वर्ड विच ज्वाइंट्स वर्ड्स फ्रेजेस क्लाजेस आर सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड द कंजक्शन। ठीक है, तो यह हमारा डिफिनेशन हो गया कंजक्शन का। द वर्ड विच ज्वाइंट्स वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड द कंजक्शन। अर्थात शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द ही संयोजक कहलाता है। शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द ही संयोजक कहलाता है। तो यह तो बात हो गई कि हमारा कंजक्शन या संयोजक होता क्या है। तो हमारा जो कंजक्शन होता है वह शब्दों को या शब्द समूहों को या वाक्यांशों को अथवा वाक्यों को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। अच्छी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे रवि एंड श्याम आर फ्रेंड। रवि और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रवि जो है हमारा शब्द है और श्याम, दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कौन किया, एंड। तो एंड ही हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं दो शब्दों को जोड़ रहा है एंड, इस वजह से हमारा क्या है, कंजक्शन है। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट ठीक है, तो कहने का मतलब है अर्ली टू बेड यानी जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठना इज अ गुड हैबिट, अच्छी आदत है या अच्छी आदत होती है। यहाँ पर देखेंगे अर्ली टू बेड यह एक शब्द समूह है और अर्ली टू राइज यह भी एक शब्द समूह है और इन दोनों शब्द समूहों को जोड़ने का कार्य कौन किया, एंड। इस वजह से एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो हमारा जो कंजक्शन है शब्दों को, शब्द समूहों को या फिर वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। इसी तरह से हम लोग और भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे या सफल हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड। तुम सफल हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। देखिए इफ यह जो हमारा पोर्शन है, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, यह हमारा क्या है, यह एक हमारा क्लाज है। ठीक है, क्लाज के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मिल जाएगा क्लास पर आपको वीडियो। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। अब देखेंगे यह दूसरा क्लास है, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इफ, यदि, यही हमारा क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है तुम सफल हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो यह एक क्लाज हो गया या दूसरा क्लाज हो गया, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन किया, इफ। तो यह हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। इसके बाद सेंटेंस को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे रवि
इज अ टीचर, रवि एक अध्यापक है, एंड हरी इज अ डॉक्टर, हरी एक क्या है, डॉक्टर है। तो यहाँ पर देखेंगे रवि इज अ टीचर, यह एक सेंटेंस है, पूरा अर्थ दे रहा है, और यहाँ पर हरी इज अ डॉक्टर, हरी एक डॉक्टर है, यह भी पूरा अर्थ दे रहा है, और दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन किया, एंड, इस वजह से एंड हमारा यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, हरी इज अ टीचर, हरी एक अध्यापक है, एंड हरी सॉरी रवि इज अ टीचर, रवि एक अध्यापक है, एंड हरी इज अ टीचर, और हरी एक क्या है, डॉक्टर है, दोनों वाक्यों का जोड़ने का कार्य कौन किया, एंड इस वजह से हमारा क्या है, कंजक्शन है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर आप चाहो तो यहीं पर बट लगा दो, जैसे रवि इज अ टीचर बट हरी इज अ डॉक्टर, तो आपका बट भी क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। तो यह टोटली बात हो गई कि हमारा कंजक्शन होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, यही हमारा मेन पॉइंट है जिसके लिए कि हम यह वीडियो बना रहे हैं। सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हमको यह जानना है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो चलिए इस टॉपिक पर अब बात करते हैं, या तो बात हो गई कि कंजक्शन होता क्या है। ऐसे कंजक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वे में थोड़ा सा बताया ताकि आप थोड़ा बहुत जान सकें कंजक्शन के बारे में। ठीक है, आप पहले से जान रहे हैं तो और अच्छी बात है। अब जानते हैं हम लोग कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको कन्फर्म मैं कर देता हूँ, यह जो हमारा एंड है इससे सिंपल सेंटेंस बनता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनता है, या तो सभी जानते हैं कि एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनता है, लेकिन एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है, यह भी चीज़ आप माइंड रखिएगा। कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस तो बनता ही बनता है, लेकिन कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है। तो सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि भाई अगर हम एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, पता चला हम सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं और बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि एंड से सिंपल सेंटेंस भी बनता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको पता कैसे चले कि आप सिंपल सेंटेंस बनाए हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाए हैं। तो इसके लिए आपको यह चीज़ माइंड रखना होगा कि सिंपल सेंटेंस एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस तभी बनता है जब एंड वर्ड्स को जोड़ेगा, यानी कि शब्दों को जोड़ेगा या फिर फ्रेजेज को जोड़ेगा। ठीक है, अगर एंड का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहे हैं या फिर फ्रेजेज को जोड़ रहे हैं तो आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर आप एंड का प्रयोग करके सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, अर्थात सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं अर्थात उसमें आपको दो वर्ब दिखाई दे, दो या दो से अधिक, दो से अधिक वर्ब को जोड़ते हैं, वर्ब्स को जोड़ते हैं तो आपका क्या होगा, जोड़ते हैं तो आपका जो है वह कंपाउंड सेंटेंस निर्मित होगा। दो या दो से अधिक वर्ब्स को जोड़ते हैं तो आपका कंपाउंड सेंटेंस निर्मित होगा। मैं आपको अच्छी तरह एग्जांपल से भी स्पष्ट करता हूं, तो यह चीज़ याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक वर्ब आ जाएंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा अगर आप एंड से जोड़ते हैं तो, यानी कि आपको सेंटेंस अगर जोड़ना है एंड से तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं, जैसे ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरा पेन कल लिया, एंड और returned it today, इसे आज लौटा दिया। तो देखेंगे यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर took एक वर्ब है और यहाँ पर returned दूसरा वर्ब है, यानी कि दो वर्बों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन किया, एंड, यानी दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य अगर एंड करेगा तो वह आपका जो सेंटेंस निर्मित होगा वह आपका क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो यह हमारा कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। बात समझ में आई, देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर जो एंड है वह दो वर्ब या कहने का मतलब है दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्ब आया है टुक, रिटर्न एंड से जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपका कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से ही वाज मार्केट
absent and returned out of the class, out of the class. तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर marked हमारा verb है और यहाँ पर returned, यह हमारा क्या है, verb है. और इनको जोड़ने का कार्य कौन किया, and, conjunction and किया. तो दो verb को यह जोड़ रहा है, अर्थात दो sentences को and जोड़ रहा है. इस वजह से यह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा. तो यहीं आपको मैं स्पष्ट करना चाहता था कि अगर आप एंड का प्रयोग करना चाहते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो एंड आपका दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े या फिर फ्रेजेज को जोड़े, यह चीज़ आप माइंड रखिए. लेकिन एंड का प्रयोग करके आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं या दो वर्ब को जोड़ रहे हैं, तो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा, बल्कि आपका क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा. यह चीज़ आप माइंड रखिएगा. तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. तो मैक्सिमम जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कि एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, वैसे वाक्यों में आपको आल्सो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको आल्सो देखने को मिलेगा. तो चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करता हूँ. तो एंड का प्रयोग उन्हीं शब्दों को जोड़ने के लिए करेंगे जो कि मैक्सिमम नाउन होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नाउन होते हैं. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई वांट टू बाई अ पेन. दूसरा सेंटेंस है, आई वांट टू बाई अ बुक आल्सो. मैं एक किताब भी खरीदना चाहता हूँ. तो यहाँ पर देखेंगे आल्सो आपको देखने को मिल जा रहा है. जैसा मैंने बताया था, आल्सो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा. तो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एंड का प्रयोग करके. तो एंड का प्रयोग करके अगर आप दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेंगे या फ्रेजेस को जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, यह चीज़ आप माइंड रखिएगा. तो वह क्या खरीद रहा है, एक पेन खरीद रहा है और एक किताब खरीद रहा है. तो दोनों को हमको क्या करना है, दोनों शब्दों को जोड़ देना है. तो लिखना होगा आई वांट टू बाई अ पेन एंड अ बुक. तो देख सकते हैं दो शब्दों को एंड जोड़ा, इस वजह से हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखते हैं, आई टुक मिल्क, मैंने दूध पिया. आई टुक स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ खाई. आई टुक बिस्किट्स आल्सो. तो यह हमारा देखेंगे तीन सेंटेंस हैं. तो यहाँ पर एक वर्ड यह आया है मिल्क, दूसरा जो स्वीट वर्ड यहाँ आया, यानी जो तीसरा वर्ड यहाँ पर, यानी तीनों जो नाउन हैं वो आए हुए हैं. तो जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाए जाएंगे, दो से अधिक हमको शब्दों को जोड़ना है, तो हम लोग एंड का प्रयोग लास्ट के दो शब्दों को जोड़ने के लिए करेंगे और उससे पहले वाले शब्दों को हम लोग कामे की सहायता से लिखेंगे. तो हमको लिखना होगा आई टुक मिल्क. देखिए अब इसके बाद हम लोग कामा लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास दो वर्ड, हमको हमेशा ही लास्ट दो वर्ड के बीच एंड लिखना है. तो आई टुक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स. आपको आल्सो नहीं लिखना होता, यह चीज़ याद रखिएगा, एंड में ही आल्सो का भाव आ जाता है. आई टुक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स. इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखते हैं, रवि वेंट टू कानपुर. रवि कानपुर गया. हरी आल्सो वेंट विद रवि. हरी भी रवि के साथ गया. तो आल्सो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम आपको मिल जाता है देखने को. तो इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में इस तरह से कंबाइन करेंगे, रवि एंड श्याम. देखेंगे यहाँ पर आप, सॉरी, रवि एंड हरी वेंट टू कानपुर. बस इस तरह से आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया. यहाँ पर रवि और हरी को एंड जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है. चलिए इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा
और आपको अपना आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। अगर दो से अधिक नाउन या फिर वर्ड को जोड़ना है तो एंड हमेशा लास्ट के दो शब्दों के बीच लिखा जाएगा और उससे पहले कामे का आपको सहारा लेना होगा, ठीक है। जैसा मैंने एक एग्जांपल बताया, अभी एक और एग्जांपल उसी तरह का बता देते हैं। तो एक और एग्जांपल उसी तरह का देखते हैं, जैसे वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू नर्वस, तुम घबराए हुए क्यों हो। इसके बाद एक वाक्य और लिखते हैं, वाई आर यू अफ्रेड, तुम भयभीत क्यों हो। तो यहाँ पर तीन वर्ड आए हैं, अफ्रेड, सैड और नर्वस। तो हम लोग एंड का प्रयोग लास्ट के दो शब्दों को जोड़ने के लिए करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हमको लिखना होगा वाई आर यू सैड, इसके बाद कामे का सहारा लीजिए, वाई आर यू सैड, कामा देकर नर्वस, और लास्ट में आपको एंड का प्रयोग करना है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, एंड अफ्रेड। तो इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना होगा। तो आई सा अ ब्लैक काऊ, मैंने एक ब्लैक काऊ, मैंने एक काले गाय को देखा। आई सा अ रेड काऊ आल्सो, मैंने एक लाल गाय को भी देखा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा फ्रेज आ चुका है, शब्दों का समूह अ ब्लैक काऊ और अ रेड काऊ। तो हमको लिखना होगा, ये दो तरह से बना सकते हैं, आई सा अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ, एक ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया फ्रेजेस को जोड़ते हैं एंड से तो भी सिंपल सेंटेंस बनता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सा अ ब्लैक, आई सा अ ब्लैक काऊ एंड अ रेड काऊ। तो यह आपका हो गया एक फ्रेज, यह हो गया आपका दूसरा फ्रेज, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन किया, एंड इस वजह से आपका यह सिंपल सेंटेंस बना। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना आया हो आपका फ्रेज होता है। तो देखेंगे इसमें कहीं पर वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक काऊ इसमें कहीं आपको वर्ब दिखाई नहीं देगा, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब नहीं होता है वो आपका क्या होता है, फ्रेज होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है और आपको अपना आंसर जो है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। वह क्वेश्चन आपके लिए है, आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल, आई सा द रेड फोर्ट आल्सो, रेड फोर्ट आल्सो। आपको इस सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कंबाइन करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी हद तक मैंने समझा दिया कि क्या होता है कंजक्शन और कंजक्शन एंड का प्रयोग करके।